बल्लमगढ़ से करीब 22 किलोमीटर दूर केजीपी के निकट मोहना गांव के जंगलों में बना माँ कालका का मंदिर दूर दूर तक मशहूर है। मंदिर में वैसे तो हर दिन भक्ति में माहौल होता है, लेकिन नवरात्र के मौके पर इस मंदिर में भक्तों का हजूम उमड़ता है। इलाके के किसी भी शुभ कार्य से पहले माँ की पूजा जरूर करते हैं। मोहना गांव में बना माँ कालका का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव जब इस इलाके से गुजरे तो यहाँ स्थित कालका मंदिर पर उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने माता की पूजा अर्चना कर विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। मंदिर के प्राचीन होने का सबूत मंदिर के आसपास बने 4 विशालकाय खंभे हैं। मंदिर का आकार काफ़ी विशाल है, लेकिन समय के साथ वह जर्जर होने लगा। बाद में ग्रामीणों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर में नवरात्रों पर जिला फरीदाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली और यूपी के सुदूर इलाकों से भी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र के दिनों में तो मंदिर में भक्तों को लंबी लाइनें लगी होती हैं। मान्यता है कि माता के सामने सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मंदिर के प्रति लोगों में इतनी श्रद्धा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग गाँव पैदल ही माँ की पूजा करने पहुँचते हैं। लोग मंदिर में बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर में ठहरने का भी विशेष इंतजाम है। मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं में आने जाने भक्तों के लिए धर्मशाला बनवाई हुई है। दूर दराज से आने वाले भक्त आरती तक रुकने के लिए धर्मशाला में ठहरते हैं। मंदिर में मोहना, छायासा, जलाका, हीरापुर, नरियाला, नरावली, मोटुका, अटाली आदि गाँवों के अलावा 30-32 गाँवों के लोग आम दिनों में पूजा के लिए पहुँचते हैं। नवरात्र मेले में करीब 200 से अधिक दुकान सजती हैं, जिस पर खाने पीने से लेकर प्रसाद व अन्य जरूरत का सामान मिलता है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। जय माता दी।